number you have called is currently not reachable. ये सौरभ कहाँ रह गया? और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कितनी देर हो गई? अब तक तो उसका फोन आ जाना चाहिए था। क्या बात है इंस्पेक्टर? मैडम एक बुरी खबर है। हाईवे के पास एक लाश मिली। वॉलेट और आईडी से पता चला है कि वो लाश आपके भतीजे अंशुमन प्रजापति की है। अग्रिम जी, आपको हमारे साथ बॉडी की शिनाख्त करने अभी चलना होगा। चुप रहिए आप! कब से मैं आपसे कह रही हूँ कि वो मेरा बेटा नहीं है। और आप चुप क्यों हैं? मेरा यकीन कीजिए, कुछ नहीं हुआ है हमारे मान को। हमारा मान जिंदा है, मैं कह रही हूँ ना। पता संभालो अपने आप को। सुमन, 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 तुम बताओ ना इन सबको, बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारे भतीजे को कुछ नहीं हुआ है ना? बोलो ना सुमन। देवर जी, हाँ बोलिए ना। सब लोग चुप क्यों हैं? क्यों कोई नहीं समझ रहा है? मैं कह रही हूँ ना, कह रही हूँ मैं कि मान जिंदा है, जिंदा है मेरा बेटा। कुछ नहीं हुआ है मोहन को। लता दीदी प्लीज संभालो अपने आप को, जिंदा है मोहन। इतनी रात को कौन हो सकता है? कौन है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मान आखिर गया कहाँ, और उसका पर्स और आईडी कार्ड उस लाश के पास कैसे आया? हो सकता है किसी ने उसका सामान चोरी कर लिया और फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। कल उसकी शादी है और घर में देखो कैसे मातम का माहौल छाया हुआ है। भाभी माँ, आप दोनों शादियां कैंसिल ही कर दीजिए ना, क्योंकि मान ने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से वैसे ही वो लोग ये रिश्ता भी सामने से ही तोड़ देंगे। मंडप पे उसका तमाशा बने, उससे बेहतर तो यही होगा ना कि हम इस रिश्ते के लिए मना कर दे और वो आज ही रोले और चैप्टर खत्म। सरप्राइज! ये सब क्या है? आज हमारी बिट्टो की आखिरी रात है इस घर में, तो हम लोगों ने सोचा जिका कहते हाँ तुझे सरप्राइज दे, ताकि ये रात और ये दिन तेरे जीवन में हमेशा याद रहे।
चलो चलो बेटा चलकर केक काटो, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। भगवान जी, आज मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं एक अच्छी बेटी के साथ साथ एक अच्छी बहू भी बन सकूं। हमेशा अपने से पहले अपने परिवार के बारे में सोच सकूं। भगवान जी, प्लीज मेरे परिवार वालों को और मुझे हमारे नौकरी वाले झूठ के लिए माफ कर दीजिएगा। वो झूठ उन्होंने सिर्फ मेरी खुशी के लिए कहा, किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं था उनका। भगवान जी, अगर आपको लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में एक भी अच्छा काम किया है, तो प्लीज अंश को उसके सच्चे प्यार से मिलवा दीजिएगा और मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं उसे भूल सकूं और अपने पति के साथ जिंदगी की नई शुरुआत कर सकूं।